माइक्रो प्रोपेगेशन या इसी को कहते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर। तो देखिए ये जो है माइक्रो प्रोपेगेशन या प्लांट टिश्यू कल्चर, ये एक मेथड है जिससे हम कंप्लीट प्लांट को बना सकते हैं एक सिंगल सेल से, सिंगल सोमेटिक सेल से। सो इसको हम क्या कहेंगे कि इट्स अ मेथड, ये एक ऐसा मेथड है, इट्स अ मेथड ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू विच होल प्लांट, पूरा प्लांट हम लोग बना सकते हैं। होल प्लांट कैन बी डेवलप्ड फ्रॉम सिंगल सोमेटिक सेल। इट्स अ मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए इसमें होता क्या है, आप पहले समझ लीजिए कि प्लांट का कोई भी सेल हम ले लें, ठीक है, कोई भी सिंगल सेल ले लें या ग्रुप ऑफ सेल ले लेते हैं। ग्रुप ऑफ सेल को हम टिश्यूज कहते हैं। तो या तो हम टिश्यू ले लें कोई, या कोई सिंगल सेल ले लें, तो उससे हम कंप्लीट प्लांट बना सकते हैं। लेकिन इसको बनाने के लिए करना क्या पड़ेगा कि हमको आर्टिफिशियली यानी लैब में बनाना पड़ेगा। तो आर्टिफिशियल कल्चर मीडियम में हम इसको ग्रो कराते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आपको जानने वाली बात है कि हम इसको सॉयल में नहीं ग्रो करेंगे। जैसे वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या होता है, हम उसको उसी सॉयल में ही ग्रो कराते हैं, बट यहाँ सॉयल में नहीं ग्रो कराते हैं। उसको क्या करेंगे कि प्लांट में से काट लेते हैं उस हिस्से को, और उसको टेस्ट ट्यूब में जो कल्चर मीडिया होगा प्लांट का, उसमें लगा देते हैं और तब ग्रो कराते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट मेथड है। So, इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, अभी बताएंगे कि कैसे करते हैं। तो देखिए, इट्स अ मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच या थ्रू विच कह लीजिए, थ्रू विच होल प्लांट can be formed, इसको बनाया जा सकता है from single cell or group of cell of plant। On artificial कह लीजिए या synthetic culture medium under in vitro condition। ये बहुत important है, lab के अंदर under In vitro condition, is called plant tissue culture। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। You all take the screenshot of this one। तो देखिए ये एक मेथड है जिसमें एक कंप्लीट प्लांट को हम बना सकते हैं, या तो सिंगल सेल से या ग्रुप ऑफ सेल से। ग्रुप ऑफ सेल को हम टिश्यूज कहते हैं।
लेकिन किस पे? तो ऑन सिंथेटिक मीडियम, बाहर से हम एक मीडिया बनाएंगे और उस मीडिया पे इसको ग्रो करेंगे अंडर इनविट्रो कंडीशन, मतलब लैब के अंदर। तो हम ये इस प्लांट को बनाएंगे कहाँ? लैब के अंदर बनाएंगे, ठीक है बेटा, टेस्ट ट्यूब में बनाएंगे। और जब वो बन जाएगा तो फिर उसको हम फील्ड में ले जाके लगा देंगे। यहां तक क्लियर है बातें? इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा, इसके बाद देखिए, इसके बाद प्लांट के जिस हिस्से पे हम काम करते हैं उसको हम कहते क्या हैं? तो जो भी पार्ट हम लगाएंगे, ठीक है, जिस पार्ट से हम पूरा प्लांट बनाएंगे उसको हम एक्स प्लांट कहते हैं, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे कि द पार्ट ऑफ प्लांट, द पार्ट ऑफ प्लांट फ्रॉम विच होल प्लांट, फ्रॉम विच होल प्लांट इज फॉर्म्ड इन टिश्यू कल्चर। इसे हम क्या कहते हैं? इज कॉल्ड एक्सप्लांट। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम नाम देते हैं एक्सप्लांट का, एक्सप्लांट, ठीक है। तो जिस भी पार्ट पे हम काम करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? एक्सप्लांट कहते हैं। अब एक्सप्लांट क्या हो सकता है? तो देखिए, एक्सप्लांट कैन बी एपिकल शूट हो सकता है, ठीक है। इट कैन बी एपिकल रूट हो सकता है, ठीक है। लीफ के सेल्स हो सकते हैं, इसमें लीफ सेल्स हो सकते हैं, इसमें कोई भी हो सकता है, ठीक है। इसमें जो है वो पॉलन ग्रेन्स भी हो सकते हैं, ठीक है। इसमें आपके बड्स भी हो सकते हैं, यानी कि नोड्स हो सकता है इसमें, जहां से बड निकलता है तो हम नोड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए, हम सारी चीजों को इस्तेमाल कर सकते हैं प्लांट का कोई भी हिस्सा, उससे हम कंप्लीट प्लांट बना सकते हैं। तो जिस हिस्से का इस्तेमाल करेंगे दैट पोर्शन विल बी टर्म्ड एज एक्सप्लांट। सो द पार्ट ऑफ प्लांट फ्रॉम विच होल प्लांट इज रीजनरेटेड इन टिश्यू कल्चर, इसी को हम एक्सप्लांट कहते हैं। तो कौन कौन से एक्सप्लांट होंगे, आपको समझ में आई बात? यहां तक चीजें क्लियर हैं आप लोगों को? अब देखिए अब इसमें स्टेप क्या होगा। सबसे पहला तो हमको करना यह है कि हम जाएंगे फील्ड में। कहां जाएंगे? फील्ड में जाएंगे, और जिस प्लांट का हमें टिश्यू कल्चर करना है उसके लिए क्या करेंगे? उसका एपिकल बड, जनरली हम लोग एपिकल शूट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वहां पे। आपको पता ही है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होंगे और वो क्या करते हैं? वो एक्टिवली डिवाइड करते हैं, तो उनसे हम पूरा प्लांट बना सकते हैं। तो हम यहां एक डायग्राम बना रहे हैं आपको, उस डायग्राम में देखिए कि किस किस ऑर्डर में हम लोग काम करते हैं, ठीक है। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? अब देखिए, अब क्या करते हैं कि हम प्लांट को कैसे ग्रो करेंगे। तो देखिए, इसमें जो स्टेप होता है, ये स्टेप बनाना आपको जरूरी है, आप बनाएंगे स्टेप। तो देखिए, ये इस तरह से हम यहां बना रहे हैं, ये देखिए ये प्लांट है, ठीक है, और यहां से ऐसे इसमें लीफ निकला होगा, ऐसे लीफ होगा,
यहाँ भी इसको अगर हम बनाना चाहें ऐसे, तो ऐसे ये लीफ होगा, ठीक है। अब देखिए ये जो है ऊपर वाला जो पार्ट है ये, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं एपिकल शूट। क्या कहते हैं बेटा? इसे कहते हैं एपिकल शूट, ठीक है। इसी हिस्से का मान लेते हैं हम इस्तेमाल करेंगे। तो करते क्या हैं, तो देखिए सबसे पहले करेंगे क्या कि इसको कट कर लेंगे, ठीक है। इसको ऐसे क्या करते हैं, ऐसे कट कर लेंगे, ठीक है। तो पहला है कटिंग ऑफ एक्सप्लांट, ठीक है, या क्लीवेज ऑफ एक्सप्लांट। इसको हम काट लेंगे, क्लीवेज ऑफ एक्सप्लांट। एक्सप्लांट को हम वहां से काट लेते हैं प्लांट में से, ठीक है। तो ये देखिए ये हमने एक्सप्लांट को ऐसे काट लिया, ये हमने काट लिया एक्सप्लांट को। तो ये हो गया हमारा एक्सप्लांट, और ये क्या है, एपिकल शूट है, ठीक है, ये हमारा एक्सप्लांट है। अब क्या करेंगे इसको, इसको हम ग्रो करेंगे। पहले देखिए इसको जब लाएंगे तो सबसे पहले इसको धोएंगे, पानी से धोते हैं ताकि जितनी भी डस्ट पार्टिकल लगे हैं वो सब निकल जाएं। फिर उसके बाद इसको साबुन से धोते हैं, स्टरलाइज करते हैं। इसका मतलब ये क्या करते हैं, इसको स्टरलाइज करते हैं, ठीक है, अच्छे से। और उसके बाद जो है ना कुछ केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे मर्क्यूरिक क्लोराइड, तो इससे हम प्लांट को धो लेते हैं बढ़िया से। और उसके बाद उसमें सेवलॉन बहुत माइल्ड होता है, सेवलॉन आप लोग जानते होंगे, तो सेवलॉन से इसको धुल देते हैं बढ़िया। तो अच्छे से धुल देंगे, पहले देखिए लेके आएंगे तो ट्रिमिंग वगैरह कर देंगे, मान लीजिए एंड बराबर नहीं होगा काट लेंगे, ठीक है। फिर इसमें हम क्या करेंगे, फिर इसमें हम अगर मान लीजिए पत्तियां इसमें लगी हुई हैं तो पत्तियां निकाल लेंगे, ठीक है, वो सब हटा देते हैं। उसके बाद इसको स्टरलाइज करने के बाद क्या करते हैं, इसको मीडियम में ग्रो कराते हैं, कल्चर मीडियम में इनोकुलेट। तो इसके बाद जो है इसमें जो दूसरा, ठीक है, दूसरा स्टेप है वो कौन सा है, वो है स्टेरिलाइजेशन ऑफ एक्सप्लांट। दूसरा स्टेप क्या है, वो है स्टेरिलाइजेशन, स्टेरिलाइजेशन ऑफ एक्सप्लांट, ठीक है। एक्सप्लांट का स्टेरिलाइजेशन कर लिए। अब स्टेरिलाइजेशन के बाद क्या करेंगे, इसको इसको हम ग्रो कराते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है इसका होता है इनोकुलेशन, ठीक है, इनोकुलेशन होता है। इनोकुलेशन मतलब है कि इसको हम कल्चर मीडियम में ऐड करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम जो है वो ऐसे बना रहे हैं, देखिए ऐसे जो है वो और इसमें हम क्या करते हैं ऐसे कॉटन प्लग लगा देते हैं, ठीक है, ऐसे कॉटन प्लग लगा लिए और इसके अंदर ये जो एक्सप्लांट है उसको ऐसे लगा देते हैं, ठीक है। ये हमने इसको लगा दिया। अब लगाने के बाद क्या है, तो देखिए ये जो है ये हमारा क्या है, वॉट इज दिस, ये है कल्चर मीडिया, ये क्या है, ये है कल्चर मीडिया, कल्चर मीडिया, ठीक है, कल्चर मीडिया हो गया। अब इसके बाद क्या होगा कि इसमें हम शूट डेवलप करते हैं, बहुत छोटे छोटे शूट्स और डेवलप करते हैं, फिर रूट डेवलप करते हैं। और इसके बाद जो है इसमें क्या है, इसको बहुत लंबे समय तक अगर ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है, लंबे समय तक अगर इसको छोड़ देंगे ऐसे, ठीक है, तो इसमें रूटिंग और शूटिंग की बात कर लें कि अगर इसमें हम शूटिंग यानी मल्टीपल शूटिंग कर लें कि बहुत ज़्यादा हमने शूटिंग करा दिया, तो मल्टीपल शूटिंग, मल्टीपल शूटिंग करा लिए
और प्लस रूटिंग करा लिए, जड़ भी निकल गया रूटिंग, ठीक है, ऐसा मीडियम पे डालेंगे कि इसमें वो भी निकल जाए, तो देखिए फिर हमारे पास क्या होगा, ये कंप्लीट प्लांट ऐसे बन जाएंगे। देखिए यहाँ पे हम आपको बना रहे हैं ये ऐसे, फिर हमने एक प्लांट जो है इसमें पूरा ऐसे डेवलप कर लिया, देखिए ये प्लांट, ठीक है, तो ये प्लांट ऐसे, ये ऐसे ऐसे ग्रो करता है, ये ऐसे ये ग्रो करेगा, ठीक है। तो ये कल्चर मीडियम था, और यहाँ पे क्या है, ये ऐसे हमने इसको तो देखिए ये कंप्लीट प्लांट ग्रो कर गया, देख पा रहे हैं आप लोग, कैन यू सी। तो देखिए इस तरह से ये प्लांट, अब देखिए ये कितना डिफरेंट मेथड हो गया ना। हम यहां क्या कर रहे हैं, हम यहां पर इसको पहले काट लेते हैं एक्स प्लांट को, उसके बाद उसको धुलते हैं, धुलने को हम लोग स्टेरिलाइजेशन कहते हैं, जैसे बोलते हैं ना आजकल लोग क्या बोलते हैं, देखिए चीजों को स्टेरिलाइज कर लिया कीजिए, है कि नहीं। तो बाहर से स्टेरिलाइज कैसे करते हैं, कुछ केमिकल का इस्तेमाल करेंगे इसमें। अब देखो ये पहला तो है क्या कि पानी से धुल देते हैं, पहला काम करेंगे, दूसरा काम क्या करेंगे, इसको साबुन से धुल देते हैं, ठीक है, एकदम माइल्ड सोप होता है उससे धुलते हैं, वो धुलने के बाद इसको सेवलॉन का ट्रीटमेंट दे देते हैं, सेवलॉन एंटीसेप्टिक है आपको पता है, तो उससे जर्म्स उसमें जर्मिनेट नहीं करेंगे। तो इस तरह क्यों क्यों ऐसा करना पड़ रहा है उसकी बात भी समझ लीजिए, क्योंकि देखिए इसको हम ला रहे हैं कहां से, वो जरा देखिए, इसको हम ला रहे हैं ओपन फील्ड से, एकदम खुला है ना, और सारी चीजें उस पर पड़ रही हैं, तो धूल भी है, डस्ट भी है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म भी उस पर अटैक कर रहे हैं। तो अगर इसको हम डायरेक्टली लाके ऐसे लगा देंगे ना, इस ट्यूब में लगा देंगे अगर, तो हमको प्लांट नहीं मिलेगा, हमको क्या मिलेगा, इन्फेक्शन मिलेगा, बैक्टीरिया का ग्रोथ मिलेगा। तो इन सब से रोकने के लिए सबसे पहला काम होता है स्टेरिलाइजेशन का, अच्छे से जब धुल लेते हैं तो उसके बाद उसको कल्चर मीडियम में ऐसे लगा देते हैं। और देखिए ये सभी स्टेरिलाइज्ड कंडीशन में होगा, एसेप्टिक कंडीशन। तो आप कभी हमारे बायो लैब में आए होंगे तो आप देखे होंगे कि किनारे एक इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है, उसको हम लोग कहते हैं लैमिनार एयर फ्लो, उसी वहीं पे बैठ के इसमें डाला जाता है, इस टेस्ट ट्यूब में जो पेड़ लगाए हैं ना, तो उसको हाथ से नहीं लगाते हैं बेटा, वो चिमटा जो होता है ना जिससे लगाते हैं, ठीक है, वो चिमटा जो होता है, ठीक है, फोर्सेप जिसको कहते हैं, वो फोर्सेप भी स्टेरिलाइज करते हैं पहले, और तब उसके बाद उससे पकड़ के और इसमें लगाते हैं, ठीक है। और ये मीडियम हम लोग बनाते हैं, और कॉटन प्लग ऐसे लगा देते हैं। कॉटन प्लग लगाने से क्या होगा कि बाहर का एयर और बैक्टीरिया वगैरह क्या है उसमें नहीं जाएंगे, तो अंदर इन्फेक्शन नहीं होगा और प्लांट ऐसे ग्रो कर जाएगा। तो ये पूरा एक तरीका होता है, इस तरह से हम लोग डेवलप करते हैं, ठीक है। और हर जगह हम लोग को क्या करना पड़ता है, स्टेप को ऑप्टिमाइज करना पड़ता है। ऑप्टिमाइज मतलब उस कंडीशन में ढालना पड़ता है कि ये ग्रो कर सके। देखिए हम इसको ला रहे हैं कहां से, सॉयल से, तो जो वहां नेचुरली ग्रो कर रहा है। अब आप सोच लीजिए जो प्लांट नेचुरली ग्रो कर रहा है उसको आप जब लैब में लाएंगे, आप वैसे ही देखिए ना पेड़ को उखाड़ दीजिए तो क्या हो जाता है, पेड़ मर जाता है। लेकिन देखिए हम लैब में लाते हैं जब, तो ऐसा कंडीशन हमें देना पड़ता है कि वो प्लांट मरे नहीं, जिंदा रहे। तो उसके लिए मीडियम बनता है, कल्चर मीडिया यहाँ लिखा है ना मैंने, यही इसमें वो सारी चीजें होती हैं, ये कंपोनेंट्स होते हैं। तो जब आप आगे जाएंगे, हायर क्लास में जाएंगे, या जब आप रिसर्च में जाएंगे, तो आपको ये सब बनाना पड़ेगा मीडिया, अगर प्लांट पे काम करते हैं तो। प्लांट को ग्रो करने के लिए प्लांट का मीडिया आपको बनाना पड़ेगा। बात समझ में आ गई, यहां तक बातें क्लियर है बेटा, इज दैट क्लियर। तो देखिए ये इस तरह से जो है ना वो ग्रो करता है। अब देखिए, अब यहां पे क्या है कि एक सिंगल, ये ऐसा क्यों ग्रो कर रहा है, वो ऐसा इसलिए ग्रो कर रहा है कि जो सेल होता है ना प्लांट का सेल, वो टोटिपोटेंट सेल होता है। क्या होता है, वो टोटिपोटेंट सेल होता है। और टोटिपोटेंट सेल का मतलब ये है कि एक सेल से हम कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं, ठीक है। तो प्लांट टिश्यू कल्चर किस पे बेस्ड है,
प्लांट टिश्यू कल्चर इज बेस्ड ऑन सेलुलर टोटिपोटेंसी। तो ये अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके हैं तो हम आगे बढ़ें। स्क्रीनशॉट एक ले लीजिए। चलिए तो देखिए इसके बाद जो है ये हम लिखेंगे यहां पे कि द प्रिंसिपल बिहाइंड प्लांट टिश्यू कल्चर इज सेलुलर टोटिपोटेंसी। सेलुलर टोटिपोटेंसी अब देखिए सेलुलर टोटिपोटेंसी क्या है जरा उसको देख लें। एबिलिटी ऑफ सिंगल सेल टू फॉर्म होल प्लांट is called टोटिपोटेंसी। इसी को हम क्या कहते हैं टोटिपोटेंसी कहते हैं। और ये जो कॉन्सेप्ट है टोटिपोटेंसी का सो कॉन्सेप्ट ऑफ टोटिपोटेंसी was demonstrated by F.C. Stewart on carrot। जो गाजर होता ना गाजर तो उसी गाजर पे एफसी स्टीवर्ड ने ये कॉन्सेप्ट बताया। उन्होंने क्या किया कि गाजर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया और जो स्मॉल पीसेस थे उनको उन्होंने क्या किया कि कोकोनट मिल्क और कल्चर मीडियम इन दोनों में रख के ग्रो कराया और जब ग्रो कराया तो उससे कंप्लीट प्लांट बन गया। तो इस तरह से उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को डेमोन्स्ट्रेट किया। ठीक है तो यहां तक चीजें क्लियर हैं। ठीक है देखिए माइक्रो प्रोपेगेशन का अच्छा एडवांटेज क्या है जरा वो बता दें। क्या एडवांटेज और कहां करते हैं? देखिए इसका एडवांटेज वहां है कि अगर मान लीजिए हमको एक ही तरह का कैरेक्टर चाहिए ठीक है जेनेटिकली आइडेंटिकल अगर हमें चाहिए तो हम इस प्लांट इस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। एकदम एक जैसा जिस प्लांट का को बनाना है उसी प्लांट का सेल ले लीजिए तो जो प्लांट बनेगा वो कैसा होगा वो एकदम उसी प्लांट के जैसा होगा। ठीक है एक चीज तो ये तो जेनेटिक आइडेंटिटी मेंटेन कर सकते हैं। द जेनेटिक आइडेंटिटी ऑफ द पेरेंट कैन बी मेंटेन और यही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोटो है हमारा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो भी चीजें हम बनाते हैं उनमें आइडेंटिटी क्या है वो नहीं बदलती है यही ना बताया था। तो पहली चीज तो ये पहला एडवांटेज तो ये भी यहां हो जाएगा। दूसरा एडवांटेज क्या है कि ये रैपिड मेथड है बहुत ही ज्यादा रैपिड मेथड है और इसमें किसी सीजन का वेट नहीं करना है कि मान लीजिए ये पेड़ है ये फला सीजन में उगता है तो उसी सीजन में इसको लगाएंगे तो ग्रो करेगा। नेचर में ऐसा होता है ना कि जो प्लांट जिस सीजन में होता है उसी सीजन में उसको ग्रो करते हैं लेकिन अब
आप क्या करते हैं, देखे होंगे मार्केट में बहुत सारी चीजें ऐसी आने लगी हैं कि जो इस सीजन का है ही नहीं, कहे क्या रही तो सीजन में होता ही नहीं है इस सीजन में, लेकिन मिला कैसे, तो बोलते हैं ये साइंस का चमत्कार है, साइंस ने किया। तो साइंस ने क्या किया, एक मेथड डेवलप कर लिया कि जब जब चाहे तब बना लीजिए। अंडरस्टूड दिस पॉइंट। तो ये सेकंड पॉइंट हो गया कि ये रैपिड मेथड होता है एंड इट कैन बी यूज्ड टू डेवलप प्लांट इन एनी सीजन ऑफ द ईयर, ईयर के किसी भी सीजन में हम उसको ग्रो कर सकते हैं। ये हो गया।